प्रैक्टिकल क्लासेस में आई हैव बीन टॉकिंग विद पीपल इन दरभंगा, जैसे आपके यहाँ एम्स खुलने वाला है जो कि हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। दरभंगा में एम्स खुल रहा है, हमारे यहाँ भी एयरपोर्ट खुला है, वहां से फ्लाइट्स बढ़ रही हैं। तो हम चाहते हैं कि स्पेशली दरभंगा जैसे शहरों में एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या होती है कि द स्टूडेंट्स डू नॉट नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ। आज के दिन में मार्केटिंग का जमाना है, जो दिखता है वही बिकता है। आप में बहुत नॉलेज है, आप बहुत स्किल्ड है, बहुत टैलेंट है आप में, लेकिन द मोमेंट आपसे कोई पूछता है तो आप नर्वस हो जाते हैं, यू स्टार्ट हैविंग बटरफ्लाइज इन योर स्टोमक और आप हेजिटेट करते हैं, तो देन आई वोंट टेक यू इन एज अ कैंडिडेट। यू गेटिंग माई पॉइंट? बिहार के लड़के जब बिहार से बाहर जाते हैं इंटरव्यूज देने के लिए तो एक सिंपल रीजन जहां पे वो अच्छा नहीं करते हैं बिकॉज उनको बोलना नहीं आता है। दूसरा एक जो हमारा बहुत बड़ा एक एकलीज हील है कि हम लोगों को अंग्रेजी से बहुत डर लगता है। हम सब चीज जानते हैं, मेरा कंसेप्ट क्लियर है, हमको सब कुछ पता है, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड अगर हमसे अंग्रेजी में सवाल पूछता है तो हम नर्वस हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज आपको एक्सपोजर नहीं मिला हुआ है। हम जिस सोच के साथ इस कोर्स को ज्वाइन किए थे तो मेरी सोच थी कि वी शैल नॉट ओनली बी कॉन्सेंट्रेटिंग और फोकसिंग अपॉन दी हॉस्पिटैलिटी एंड केटिंग मैनेजमेंट, वो तो हम पढ़ाएंगे ही आपको, अच्छा उस पूरे कोर्स में हम आपको मैनेजमेंट भी बताएंगे। उस पूरे कोर्स में हमारे पास मैनेजमेंट का टॉपिक्स है, हमारे यहाँ अकाउंटिंग का टॉपिक्स है, देन वी हैव हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, अर्थात स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ चिकित्सा सेवा के साथ साथ उसकी मैनेजमेंट कैसे हो हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल में रोगियों का और उनके साथ अटेंडेंट का, उसका भोजन मैनेजमेंट। वर्तमान समय में अभी का जो उपभोक्तावादी युग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब खुल रहा है, मल्टी स्पेशलिस्टिक होटल सब हॉस्पिटल सब का निर्माण हो रहा है, खुल भी रहा है, विदेश ग्लोबल सोसाइटी के तहत ग्लोबल फेनामिना के तहत उसको तैयार किया जा रहा है, जिसमें कैटरिंग का और डाइटिंग का डाइटिशियन का और कैलोरी युक्त फाइबर युक्त न्यूट्रिशन युक्त उसको भोजन मिले, यह उनकी दृष्टि है। दूसरी बात, हमारे यहाँ इस मिथिला में जैसे कि विषय प्रवेश में चरसिया जी ने कहा, यह एकमात्र संस्था होगा चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय जहाँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग की पढ़ाई प्रारंभ करने जा रही है सर्टिफिकेट कोर्स, उसके माध्यम से हमारे यहाँ भोजन में जो अत्यधिक अनावश्यक खर्च होता है, आधा खाते हैं और आधा मैथिली में कहा जाता है निहास कर देते हैं, आधा खाते हैं आधा पत्ता पर छोड़ देते हैं, उसके बचाव के लिए आ गया बुफे सिस्टम जिसको कुछ कुछ लोग कुकुरभोज भी कहा शुरू कर दिए। रिसोर्स डू दिस कोर्स वेरी इफेक्टिवली, बी वेरी एफिशिएंट एंड देन परफॉर्म। और हम आपको बताएं कि अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, कुछ अच्छी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के जो एम्प्लॉयज को हमने देखा है, दे कम फ्रॉम टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज। तो आपको ये नहीं सोचना कि दरभंगा से हो कि हम कहां पहुंच सकते हैं, नहीं, स्काई इज द लिमिट, यू कैन रीच एनीवेयर। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले अपने प्रधानाचार्य, अभिभावक और महाविद्यालय को दिशा दशा देने में लगे रहने वाले डॉक्टर फूलो पासवान सर का अपनी ओर से, तमाम प्रतिभागियों की ओर से, कॉलेज परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो अहर्निश महाविद्यालय के विकास के लिए चिंतित रहते हैं और जब कभी भी हम लोग कोई भी छोटा बड़ा प्रस्ताव लेकर जाते हैं, सहमति के लिए सर की कलम खुली रहती है। कल हम लोगों ने अचानक ही तय किया बरियार साहब के साथ जो प्रोग्राम करना है, काफी व्यस्तता रही है, सर की तुरंत ही सहमति प्रदान किए सर। ऐसे प्रधानाचार्य का महाविद्यालय परिवार में स्वागत करते हुए अभिभूत हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा सर, जिन्होंने बीजारोपण किया था इस 7 सर्टिफिकेट कोर्स में, सिर्फ पत्रकारिता का कोर्स पिछले सत्र चल पाया था, लेकिन सर के प्रयास से, उत्साहवर्धन से और एक मेरे ऊपर भी जिम्मेवारी सर ने दी, इस सर्टिफिकेट कोर्स को आप
शुरुआत कराएं और कई कोऑर्डिनेटर बहाल हुए और आज फलीभूत हो रहे हैं। उनका मैं तमाम प्रतिभागी की ओर से, महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं।